Today is Saturday and the weather is really very good. It's sunny and 21 degrees. तो चलो चलते हैं कहीं घूमने के लिए. Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So मैं अभी जा रही हूँ Greenwich Park. So जब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी जो मेरी फ्लैटमेट है, मैंने उसको बोला कि मेरा Greenwich Park जाने का मन है. एंड शी वॉज लाइक, या दिस इज़ अ नाइस चॉइस बिकॉज यहीं पर ब्रिजटन की भी शूटिंग हुई है. और मैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई क्योंकि मुझे वो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है. एंड आई वॉज लाइक कि मुझे अब तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे देखना है कि उस पार्क में ही शूटिंग हुई है. मेरी दो ट्रेनें कैंसिल हो गई आज, तो इसके वजह से मुझे पैदल जाना पड़ रहा है. कुछ 40 मिनट्स की वॉक है और ऐसा रास्ता है, आसपास में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इस रास्ते से लोग जा रहे हैं ग्रीनविच पार्क. आज 21 डिग्रीज टेम्परेचर है एंड सारे लोग बढ़िया समर ड्रेसेस पहन के बाहर आ गए. और मुझे तो बहुत ठंडी लगती है इसलिए मैंने थोड़ा सा जंपर डाला हुआ है. So I decided to walk because bus काफ़ी देर से आने वाली थी and काफ़ी सारे stops cover करती तो काफ़ी ज़्यादा time लग जाता और already बहुत सारा time हो चुका था. तो I thought कि let's walk. और River Thames के पास में आप walk कर रहे हो तो एक अच्छा experience था. ये कुट्टी सार्क है, इसका भी एक अपना historical significance है. ये पहले बहुत बड़ा ship हुआ करता था. तो मैं आ गई हूँ ग्रीनविच पार्क और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं पार्क में, काफ़ी भीड़ है. ये है कॉफ़ी या चाय नाश्ता वाला एरिया. This iconic area holds rich historical significance dating back centuries, especially in maritime heritage. It's also known as the birthplace of Henry VIII and Elizabeth I. Greenwich is home to the Royal Observatory where the prime meridian is marked by a line and a historic marker. Visitor can stand on the both hemisphere, eastern and western, simultaneously by straddling the line at the prime meridian. It's popular tourist attraction and the symbol of global navigation and timekeeping. रॉयल ऑब्जर्वेटरी म्यूजियम एंड प्राइम मेरिडियन को अंदर से देखने के लिए आपको देने होंगे 20 pounds. मुझे 20 pounds नहीं देने थे तो मैंने बाहर से ही, एक लाइन जा रही है तो मैंने यहाँ से ही इसको देखा है. तो यहाँ लिखा हुआ है कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड. यहाँ पर इंटरनेशनली ज़ीरो लॉन्गिट्यूड होता है और ये एक इमेजिनरी लाइन है. Isn't it cool? इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टॉप था वो था चेरी ब्लॉसम पार्क. और ये काफ़ी फेमस है ग्रीनविच का चेरी ब्लॉसम एरिया. एंड आप देख सकते हो ये फेमस है तो यहाँ पे कितनी ख़तरनाक भीड़ है. इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉप है या तो नेशनल मैरिटाइम म्यूज़ियम देखना या फिर क्वीन का हाउस देखना. सो आई एम चूजिंग द क्वीन्स हाउस. और इसकी एंट्री एकदम फ्री है और इसमें बहुत सारे आर्ट पीसेस हैं और यहाँ पे क्वीन रहा करती थी पहले. तो चलो चलते हैं क्वीन का हाउस देखने के लिए. द क्वींस हाउस रॉयल रेसिडेंस हुआ करता था एंड इसको बनवाया था एन ऑफ डेनमार्क, द वाइफ ऑफ किंग जेम्स द फर्स्ट इन द अर्ली 17th century. सो ये है क्वीन का प्रेजेंस चैम्बर जहाँ पर वो जितने भी कोर्टियर वगैरह जो लोग होते थे उनसे मिलते थे. काफ़ी इम्प्रेसिव आर्ट कलेक्शन रखे हुए हैं यहाँ पर. और ये जो सीलिंग है ये बहुत ही ज़बरदस्त थी. वीडियो में उतना सुंदर ना भी दिखे बट देखने में बहुत अच्छी थी. ये जो फायर चैम्बर है इसके जस्ट अपोजिट बेड रखा होता था पहले.
ये है क्वीन का प्रीवी चैम्बर, जहाँ पर उनके ट्रस्टेड लोग ही आके उनको एडवाइस कर सकते थे। ये क्वीन एलिजाबेथ है और वो है हेनरी द 8th। इसके बाद मुझे लग गई बहुत तेज़ भूख, क्योंकि मैंने पूरा क्वीन हाउस देखा है। उसमें सारे अलग अलग आर्ट पीस रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बट मैंने बोला अब मुझे जाना है खाने के लिए। If you are going to Greenwich, do not miss the Greenwich Market. This market offers a diverse range of stalls selling handcraft, antique and delicious street food from all around the world. I bought pistachio pancakes for £5.50 from a pancake stall. There are variety of food and handmade cookies and cakes by the locals. I got excited seeing a Jaipur jacket stall there. I will visit that stall next time. I had my pancake with this view. मैं हमेशा घर से कुछ ना कुछ बनाकर लेके जाती हूँ, तो मैंने पैनकेक के साथ खाया कुसकुस विद दिस व्यू। मुझे ये व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आप ओल्ड लंदन को देख सकते हो और न्यू लंदन को देख सकते हो। तो ये व्यू मेरा फेवरेट व्यू था उस दिन का। इसके बाद मैं निकल गई घर के लिए। बस काफ़ी ज़्यादा लेट थी उस दिन, मुझे कम से कम 5 बस चेंज करनी पड़ी। और हर बस स्टॉप के बाद 9:15 और मैं वेम्बली पार्क पर बस का वेट। क्या ये बस मुझे घर पर पहुँचाएगी? अब मैं बहुत 1 घंटा 20 मिनट का रास्ता 2.5 घंटे में कंप्लीट करने के बाद फाइनली आई एम होम। बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। मैंने 3 से 4 बस चेंज करी हैं तब जाके मैं घर पहुंच पाई हूँ, और कुछ 25,000 स्टेप्स चल रहे हैं आज। आई एम डेड टुडे। माय गुडनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाई।